वैसे कबाब पराठा तो आपने बहुत खाया होगा, पर मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन दिल्ली का गलावटी कबाब खाऊं। अब देखो, हर मशहूर चीज के पीछे एक हिस्ट्री होती है, वैसे इस गलावटी कबाब के पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो हुआ यूं, 18वीं शताब्दी में रियासत अवध के नवाब नवाब असफुद्दौला ने अपनी बढ़ती हुई उम्र और गिरते हुए दांत की वजह से अपनी राजधानी लखनऊ में अवध के सबसे बेहतरीन खानसामों के बीच एक मुकाबला आयोजित किया और जायके में तब्दील किए बगैर सबसे मुलायम कबाब बनाने की शर्त रखी, और इस मुकाबले के नतीजे के तौर पे इंडिया को मिला एक बेहद लजीज गलावटी कबाब। अब गलावटी कबाब खाने दिल्ली तो जा नहीं सकते, पर दिल्ली दरबार तो जा सकते हैं। दिल्ली दरबार कहाँ पे है? यहाँ पे कृष्णा नगर। कभी भी आओ, दबा के खाओ। फटाफट हाथ चलाना भाई साहब, यहाँ आइटम की कमी नहीं है। आप देख सकते हो, चिकन दम बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन फ्राइड राइस, मटन बिरयानी, स्पेशल राइस, चिकन नूडल्स, लेग पीस। बाप रे, इतना सारा नाम कैसे लूंगा। चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, आलू टमाटर गोभी प्याज, मगा मजा। सोच, तेरे को मौका दिया जाए कि पूरा खा लेगा तू? कितना आइटम है? खा लेगा? तो जो भैया है वो है नहीं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो वही एक्सप्लेन करेंगे ना कैसा क्या है, तभी मजा आएगा। कहानी में क्या होता है कि जब तक एक्सप्लेन नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। कहानी कहानी की तरह लगनी चाहिए। पराठा तो बना के रखा है, बट पराठा बोला हम खाएंगे। क्यों बना के चाहिए ना, सीन कैसे आएगा? सिनेमैटिक 120 FPS। इस्माइल से देखो, ओपी। कबाब तो मैंने रेडी कर दिया, बट अभी जो पराठा है ना, वो उसका स्पेशलिस्ट कोई और है, और वो है हमारे हिदायत भैया, वो बताएं। मैंने अभी मतलब मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन पहले बैठ के यहाँ पे चिकन दम बिरयानी और क्या बोलते कबाब पराठा खाया था, लेकिन नहीं था इस शॉप पे। तो पहली बार मैं नहीं था तब, अकेले खाऊंगा ना, ऑब्वियसली इतना अच्छा आइटम है तो फिर कैसे। आ गए हिदायत, पराठा बनाना है लेकिन घुमा के बनाना है, ठीक है? ओके। आसानी से आ जाता है नाम दिल्ली दरबार, लोगों के दिमाग में आसानी से आता है ये नाम। सही, दिल्ली दरबार नाम अच्छा है। बट फ्लाइंग अच्छा लगा ऊपर वाला, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की तरह। हमारे जो हिदायत भैया हैं, हम लोग समझ लो बचपन से जानते हैं इन्हें, एंड मुझे पता था कि ये रोटी घुमा सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह, इसीलिए हम लोग बैठ के यहाँ पे वेट किए थे कि आएंगे देन अच्छा शॉट लेके तब सिनेमैटिक दिखाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो सिनेमैटिक शॉट। अभी इंजॉय करते हैं, ला रहे हैं कबाब एंड पराठा। भाई सब ब्लॉग करो तो यही हाल होता है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वही है ये। गाइस पराठा हमारा आ चुका है। गाइस अगर आप लोगों को कभी आना हो इसे खाने का कबाब पराठा दिल्ली दरबार में, तो लोकेशन आप जान लीजिए कहाँ पे वो है, ठीक है? मेन यात्रु गेट से सीधा जो काली मंदिर है जी, उसी के बगल में है। कितना दिन हुआ दुकान खोली आपको? ये लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, एंड क्वालिटी भी आउटस्टैंडिंग मुझे लग रही है, अभी खाने के बाद पता चलेगा। एंड गाइस मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, अगर आप आते हैं कृष्णानगर तो दिल्ली दरबार में जरूर आइए, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर कृष्णानगर वहीं पड़ता है, ठीक है? दिखने में तो ओपी दिख रहा है, अभी टेस्ट वाइज पता चल। खाने से पहले 120 FPS थोड़ा सा।
बिस्मिल्ला किया जाए। मैं पहले भी खा चुका, मुझे पता है टेस्ट कैसा। ठीक है सर, आप बताइए टेस्ट करके। हम पहली बार खा जाते जी। लाजवाब। मेरा क्या है ओपी, इनका है लाजवाब, और इनका क्या है आउटस्टैंडिंग। नहीं नहीं अच्छा लगा, बेहद लजीज, जो मैंने बोला था ना बेहद लजीज। ये रहा गाइस हमारा पराठा, जो कि काफ़ी मुलायम है, एंड ये मैदे का होता है पराठा। एंड ये कबाब में क्या क्या पड़ता है भैया ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड ये चटनी, ग्रीन चटनी के साथ ओपी। वो तो घर पे बनती है ना मेरे, इसमें मतलब गोश्त की मात्रा ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ गोश्त है। हाँ कबाब में घर वाला फीलिंग आ गया। हम तो फ्री है क्या। धन्यवाद से बोल दो कम से कम। शुक्रिया, इनको बोलो संजीव भाई को थम्स अप के लिए। इन लोगों को कागज पे अंगूठा करवा लूं, अभी नहीं पहले इन लोगों को हराम भी खाने की आदत पड़ जाने को। है ना बढ़िया भाई, पसंद पलेट भी खा जा। मजा आ गया। चले सर पॉकेट में रख लीजिए सर, रास्ते पर खाइएगा। हाँ तो सर यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है बता दीजिए। हमारे पास स्टार्टर में है सीख कबाब, फ्लेक्स पीस, लॉलीपॉप, कलेजी पत्री, चीज़ फ्राई, बिरयानी है, चिकन फ्राइड राइस है। जितना भी है आपको दिखा दिया हम लोगों ने मेनू में, आप लोग देख लेना, सब चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को। यार साइलेंट कर लिया करो, बीच में तुम्हारा फोन ही बज रहा है। घटा है यहाँ। क्या घटा? एक पॉटर बिरयानी कर दे, अभी खा लेंगे तो छुट्टी। बहुत नॉर्मल खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं। 7 बजे इनका लाइट ये हाल है, अगर हैवी खाएंगे तो क्या होगा।